सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे। मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और गेम प्ले लेके। इस गेम का नाम है द बेबी इन येलो, और ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए बने रहे वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सामने बेबी बैठा हुआ है और घर वाले इसको हमारी जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ के गए हैं। वैसे दिखने में तो ये बच्चा भूतिया नहीं लग रहा है, और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे को दूध की बोतल देनी है। बोतल फ्रिज में है और फ्रिज किचन में है। तो गाइस, गलती से मैं किचन की जगह वॉशरूम में आ गया, और किचन तो हमारा ये रहा, और अभी मुझे फ्रिज में बोतल मिल गई है। ज्यादा ढूंढाढ़ी नहीं करनी, जल्दी से जाके ये बोतल बच्चे को देता हूँ, क्या पता भूख के मारे अपना भूतिया रूप ले ले। तो गाइस, अभी दूध पीते ही इसने पोटी कर दी है। छी, कितना गंदा लग रहा है। और एक तो तू मेरे को ये घूरना बंद कर, उसके बाद ही तेरी नैपी चेंज करूंगा। अभी सबसे पहले इसको वॉशरूम में चेंजिंग टेबल पर बैठाना है, और वो रही हमारी चेंजिंग टेबल। पर यहाँ पे नैपी नहीं है, वो भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइस, अभी मुझे सामने वाली टेबल पर नैपी भी मिल गई। मगर एक सेकेंड, वो हमारा येलो बेबी कहाँ गया? मैंने यहीं तो बैठाया था। गाइस, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसकी नैपी यहाँ रखता हूँ, उसके बाद इसको लेने जाता हूँ। अगर बदमाश बच्चे तू चल सकता है, उड़ सकता है, तो मुझे खाली फोकट क्यों परेशान करने पर तुला हुआ है? गाइस, एक बार इसका चेहरा देखो, दिखने में कितना गंदा लगता है। और तू मेरे को घूरना बंद कर, तेरे को समझाया था ना मैंने। गाइस, ये बच्चा सही में भूतिया बच्चा है, मैं आया हूँ तब से मेरे को घूरे जा रहा है। और अभी तो मैंने तेरी नैपी भी चेंज कर दी है, अब तो खुश हो जा। नहीं नहीं नहीं, तू चुप ही रहे, तू हंसते हुए भी काफ़ी गंदा लगता है। अबे मेरे दोस्त, तू मेरे को इस तरह से घूरना बंद कर, काफ़ी अजीब लगने लगा है मुझे। गाइस, अभी इस बच्चे को इसके बेड तक लेके जाना है, पर बेडरूम कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। नीचे तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा, शायद ऊपर है, मगर ये डोर तो लॉक है। शायद ये सेकंड वाला है, मगर ये शायद स्टोर रूम है। अभी थर्ड वाला रूम शायद इसका बेडरूम है। गाइस, अभी मैं बेडरूम के अंदर तो आ गया, मगर मेरे को बच्चा सुलाना नहीं आता है। मैंने तो इसको ऐसे ही बेड पर बैठा दिया है। गाइस, अभी इस शैतान बच्चे के लिए स्टोरी भी पढ़नी पड़ेगी। बढ़िया, इस सोफे पर बैठ जाता हूँ और इसको कहानियाँ पढ़ के सुनाता हूँ। अभी मैंने एक एक करके सारी कहानियाँ पढ़ तो दी है, और ये शैतान बच्चा भी सो चुका है। अभी इसका डोर क्लोज कर देता हूँ, और अभी इसके पेरेंट्स का वेट करते हुए बढ़िया सोफे पर बैठ कर रिलैक्स होकर टीवी देखता हूँ। ये एकदम सही काम है। वैसे बाकी और हॉरर गेम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये थोड़ा कुछ अलग है। गाइस, अभी टीवी देखते हुए बेचारे को नींद आ गई थी, मगर शैतान बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अभी जल्दी से रूम में देख के आता हूँ उसको क्या हो गया है। आ रहा हूँ बच्चे, अभी तू इस तरह से रोना बंद कर। वैसे तू चल सकता है, तो खुद आ जाना, क्या हुआ तुझे? गाइस, मैं इस रूम का डोर लॉक करके गया था, मुझे याद है, मगर ये अपने आप खुद ब खुद खुल कैसे गया? अभी बच्चे की रोने की आवाज़ तो यहीं से आ रही थी। अभी वो बच्चा भी कहाँ गया पता नहीं है। गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे उस बच्चे को छोड़ा था, और अभी ऊपर आया तो वो गायब हो गया है। अभी उसकी आवाज़ तो आ रही है, शायद वो नीचे पहुँच गया है। लेकिन मैं सीढ़ियों से आया तब तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा वो। ये यहाँ आया कैसे? कोई सीक्रेट रास्ता पता चल गया है तुझे बच्चे? ये अपनी शक्ल तो भोली सी बनाता है, मगर ये दो मेंढक जैसी आंखें बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। इतनी बड़ी आंखें येलो बेबी तू कहाँ से लेकर आया है? गाइस, अभी मैंने गलती से प्यार से चुलाने की जगह जोर से पटक डाला बेचारे बच्चे को बेड पर, और अभी इसने फिर से रोना शुरू कर दिया। अभी मुझे ये सॉफ्ट टॉय इस बच्चे को देना है, इसके बाद ही सोएगा ये फिर से। अभी ये हंसता हुआ भी काफी गंदा लगता है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है तू हंसा मत कर। अभी इस बार अच्छे से डोर लॉक कर देता हूँ, कहीं फिर से ना खुल जाए। अभी फिर से जाके मुझे टीवी देखना है, मगर पता नहीं ये टीवी देखते हुए सोने कैसे लगता है। क्या आप भी ऐसे टीवी देखते हुए सोने लगते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी मैंने बच्चे को तो अच्छे से सुला दिया है, अभी मैं खुद चैन की सांस लेता हूँ। तो गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे सेकंड नाइट में। तब तक आप वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में जल्दी ही पता चल जाए।